हेलो स्टूडेंट्स, सीएलसी का यूनिक कंसेप्ट गुरु नीति इकोलॉजी हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं और इकोलॉजी के थर्ड एपिसोड में मैं एमएम बड़ोदिया और मेरे साथ जैसा कि आप जानते हैं वीएल सर हैं। हम पहले एपिसोड फर्स्ट और एपिसोड सेकंड में ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन और इकोसिस्टम के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और सर इसमें इकोसिस्टम के ही क्वेश्चंस जो है वो स्पेसिफिकली डिजाइन किए गए हैं। एक बात बच्चों को बता दें, ये हमारा जो बायोडीटीएस का कंटेंट है करीब करीब उससे लिए गए हैं, जिसमें पूरा सिलेबस और सब्जेक्ट कवर होता है। तो एपिसोड थर्ड में आज हम डिस्कस कर रहे हैं इकोलॉजी के इकोसिस्टम चैप्टर से क्वेश्चंस, और इसके साथ आप हमारे बायो डीटीएस की जो बहुत ही यूनिक बुक है तो वो ले सकते हैं, और साथ साथ में क्वेश्चंस को बहुत अच्छे लेवल पे करके और कुछ अपने मेजर पेपर को और बहुत अच्छे क्वेश्चंस को भी हमने इसमें इन्वॉल्व किया है। तो लीजिए सर, शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 6-1, लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम, क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन, अबंडेंट पैरासाइट और एपिफाइटिक प्लांट्स एंड मैक्सिमम लीचिंग। ठीक है, ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स हमें दे रखे हैं और हमें पूछा गया है द अबाव स्टेटमेंट डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम, किस टाइप के इकोसिस्टम में जो है वो ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है। तो देखिए, लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम हम कंपेयर अगर करें तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट में से ऑब्वियस है किसमें होगा, ट्रॉपिकल रीजन में होगा। क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन भी अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसमें क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन होगा। हाइट के अकॉर्डिंग जो लेवल आपको दिए गए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हर्ब है, फिर आप समझ सकते हैं कि सर्व है, और फिर मीडियम साइज ट्री और लार्ज साइज ट्री है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा आपको, जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इकोसिस्टम के इंट्रोडक्शन में आपको इनसाइट इन मेंशन कर रखा है, तो ये क्लियर कट जो वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन है, और ये हमने आपको बताया था कि इक्वेटर से 0 डिग्री से जो ये अपन पोल्स की ओर जाते हैं तो ये आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटिफिकेशन है और ये वर्टिकल। तो वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन क्लियर कट जो आपने कहा कि ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट का कैरेक्टर है, और यहाँ पर आप जानते हैं लिनास है या जो भी एपिफाइट्स है जैसे मैंगो की ब्रांच पे ऑर्किड और ये जो भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। सीधी सी बात है ना, जितना ट्री डोमिनेटेड फॉरेस्ट अगर होगा तो ऑब्वियस है उसमें एपिफाइट्स का नंबर ज्यादा होगा। तो ट्री डोमिनेटेड फॉरेस्ट है तो यहाँ लिखा है अबंडेंट पैरासाइट्स और एपिफाइटिक प्लांट, डेफिनेटली ये भी होंगे। मैक्सिमम लीचिंग कह रहा है, ऑब्वियस है अगर डिकम्पोजिशन की रेट ज्यादा है या डिकम्पोजिशन फास्ट होगा क्योंकि डेड ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो वहां से मिनरल न्यूट्रिएंट्स सॉइल सरफेस से लीच डाउन हो जाते हैं। हिंदी के बच्चे ध्यान दें, निक्षालन इसको कहा जाता है। जी, तो इस तरीके से जो चारों करेक्टर हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी के जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें ट्रॉपिकल के ऑप्शंस हैं, एक सवाना आपको दे रखा है, ग्रासलैंड है जो ग्रासलैंड फॉर्म है, डेसिडस, दोनों फॉर्म आपको दे रखे हैं ट्रॉपिकल और टेम्परेट। लेकिन देखिए, डेसिडस के बजाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो इन करैक्टरिस्टिक्स को ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन करता है। तो सर फाइनल आंसर थर्ड हो गया, थर्ड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ए स्पीसीज हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, किसी एक स्पीसीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भौगोलिक वितरण है, वो छोटे क्षेत्र में है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटेटिवली सुपीरियर स्पीसीज इज फाउंड टू एक्सपेंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज ड्रामेटिकली when competing species experimentally removed। तो इसका मतलब वो कह रहा है कि दूसरा जो कॉम्पीट करने वाला है उसको वहां से हटा दिया है। तो कॉम्पिटिटिव रिलीज एक तरीके से ये है। अब इसके बाद इसको ये कह रहा है कि इसे क्या कहेंगे, तो गॉसे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में तो सर ऐसा होता है दोनों कॉम्पीट करेंगे उसमें से एक को एलिमिनेट होना पड़ेगा। दूसरा हमारे पास कॉम्पिटिटिव रिलीज दे रखा है, सीधा स्पर्धा मोचन, भाई सुपीरियर की प्रेजेंस में अगर फिर अपन सुपीरियर को वहां से रिमूव करते हैं तो इनफीरियर अपना एरिया बढ़ाता है, तो ये आपका क्या कॉम्पिटिटिव रिलीज। बिल्कुल, ए था बी था दोनों में इंटरेक्शन चल रहा था, अब आप ये कहेंगे इन दोनों को कॉम्पीट करने की स्थिति में जब आपने छोड़ा तो दोनों को नुकसान है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली किसी एक को आपने हटा ही दिया वहां से तो डेफिनेटली आप ये कहेंगे जो ए है उसको अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। रिसोर्सेज पार्टनरशिप, ये वो स्थिति है जब दोनों संसाधनों को साझा करके साथ साथ फॉरेंजिंग पैटर्न को, मतलब ये को एग्जिस्टेंस को प्रमोट करने वाला फैक्टर होगा। और लास्ट में लिखा है इंटरफेरेंस कंपटीशन, ये इंटरफेरेंस कंपटीशन अपने आप में कंपटीशन को परफेक्टली डिफाइन करता है कि कॉम्पिटिटर की प्रेजेंस में जो बायोटिक पोटेंशियल वो डेफिनेटली लॉरिंग फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ सर करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, सेकंड जो क्या दिया गया है कॉम्पिटिटिव रिलीज। नेक्स्ट 6-3, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इंक्लूड्स द ऑर्गेनिज्म एट सेम ट्रॉपिक लेवल, इसमें कौन सा ऐसा पेयर है, कौन सा ऐसा सेट है सॉरी जो सेम ट्रॉपिक लेवल पे ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है। तो सर देखिए, ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट सेकंड थर्ड, T1 ट्रॉपिक लेवल ऑलवेज पीपी प्राइमरी प्रोड्यूसर को रिप्रेजेंट करता है जी, देन पीसी प्राइमरी कंज्यूमर और देन एससी और टीसी आपका हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जैसे
जितने भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं, चाहे केमोटोट्रॉप हो चाहे फोटोट्रॉप हो, प्राइमरी प्रोड्यूसर को रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्टली जो प्लांट को फीड करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, हर्बीवर्स होते हैं, देन प्राइमरी कार्निवर्स और सेकेंडरी कार्निवर्स। तो यहाँ पर देखेंगे, देखो स्पैरो और लॉयन तो ये एक ट्रॉफिक क्लोज से नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पैरो है ना वो हर्बीवर्स है, और ग्रास ऑफर ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे भी हो सकती है। नेक्स्ट, फिर ग्रास ऑफर फ्रॉग है, स्नेक है, ये भी सेम को नहीं कर सकते। ग्रास ऑफर 100% हर्बीवर्स होता है जी, और फ्रॉग स्नेक आगे आएंगे। बर्ड, फिशेज, मैन ये भी वेरी कर सकते हैं, बट टाइगर, लॉयन, हॉक और पिकॉक ये आप समझ सकते हैं कि टॉप कार्निवोरस, ये सारे टॉप कंज्यूमर हैं, टीसी आप ये कहेंगे, तो सेम ट्रॉफिक लेवल पे इनको मेंशन किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो तीनों आपके पास सेट दे रखे हैं उनमें वेरिएबल फॉर्म है कंज्यूमर्स का, और ये जो है वो एक ही ट्रॉफिक लेवल पे मींस टॉप कंज्यूमर के फॉर्म में हो सकते हैं। तो सर आंसर फाइनल हुआ फोर्थ। नेक्स्ट, 6th, व्हिच वन इज नॉट एन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप। देखिए ऑब्लिगेटरी कल भी हमने डिस्कस किया था, कुछ एपिसोड्स में हम बात कर चुके हैं, ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप जो है वो म्यूचुअल एक्सक्लूजिव केस करता है। तो यहां कह रहा है कि कौन सा एक अविकल्पी संबंध नहीं है। पहला कहा इसने लाइकेन, माइकोबायंट एंड फाइकोबायंट, बिल्कुल डेफिनेटली माइकोबायंट और फाइकोबायंट जो लाइकेन बनता है वो ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है। फिर कह रहा है माइकोराइजा रूट ऑफ द हायर प्लांट्स, फिर कह रहा है फिग ट्री एंड वास, ये भी आपको एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखा है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन में मेंशन किया गया है, डेफिनेटली एक क्लासिकल एग्जांपल है एक तरीके से ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप का। फिर कह रहा है कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल। देखिए जो कैटल एग्रेट है आपने देखा होगा जो ग्रेजिंग फील्ड्स हैं उनमें जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनकी बैक पर या उनके आसपास ये जो बर्ड्स हैं वो आपको फ्लाई करते हुए मिलेंगे। एग्रेट पर जो बगुला होता है वो चलता है। आपने गांव में देखा होगा कि जो खेत के अंदर जो बड़े पशु जब चरते हैं तो उनके हैवी जो बॉडी होती है वजन से जब वनस्पति हिलती है तो वहां से जो वेजिटेशन इंसेक्ट है वनस्पति कीट हैं वो बाहर आ जाते हैं ताकि उस बर्ड को इजी मिल जाए। तो वहाँ कैटल जो इग्रेट है बर्ड है उसको तो बेनिफिट हो गया, बट वो अनअफेक्टेड है जो ग्रेजिंग कैटल है। तो ये एक दूसरा केस भी सर इसमें हो सकता है, अगर ये जो ग्रेजिंग कैटल है इस ग्रेजिंग कैटल की बॉडी से ये पैरासाइट्स पिक करता है तो इस केस में ये जो है वो आप ये कह सकते हैं दोनों बेनिफिटेड कंडीशन में भी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन तब भी हम ये कह सकते हैं कि दोनों की एक दूसरे पर डिपेंडेंसी नहीं है। अब डिपेंडेंसी नहीं है तो ऑब्वियस है ऑब्लिगेटरी तो कभी नहीं हो सकता, ये दोनों अपना इंडिपेंडेंट सर्वाइवल कर सकते हैं। तो इस केस में हम फोर्थ ऑप्शन को ले लेंगे कि ये ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये नॉन ऑब्लिगेटरी फॉर्म होगा। क्लियर। नेक्स्ट वन, 6th, व्हाट वुड बी मोस्ट लाइकली टू हैपन इफ डीकंपोजर्स, डीकंपोजर्स में बहुत क्लियर लिखा है बैक्टीरिया एंड फंजाई वेंट एक्सटिंक्ट ऑन अर्थ, अगर डीकंपोजर्स को हटा दिया जाए। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस पहले आते थे पुराने एग्जाम में, आरपीएमटी के जमाने में ऐसा लिखा जाता था कि पृथ्वी पर कूड़े के ढेर लग जाएंगे या बहुत सारा डीकंपोजिंग मटीरियल जमा हो जाएगा, वो कब हो जाएगा जब आप डीकंपोजर्स हटा देंगे। तो इस तरीके से यहाँ जो है कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं सर, तो आपको डिस्कस कर लेते हैं। बैटरी वोरस सच एज अर्थवर्म वुड रिप्लेस देम, भाई कैंचो इनका स्थान कभी नहीं, भाई कैंचो है ना वो डेट्री जो डेट्रिटस होता है अपरद होता है जो डेथ रिमेन्स होते हैं उनको केवल ब्रेक डाउन कर सकता है, इनको फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल है, वो कैटाबोलिज्म इन रियली में जो अच्छा प्रोसेस कैटाबोलिज्म होता वो नहीं कर पाएगा और वो ओनली बैक्टीरिया और फंजाई कर पाएंगे। इससे हुआ कि लार्ज साइज के डेट्रिटस को स्मॉल साइज में कन्वर्ट करने का काम तो ये कर सकता है लेकिन कैटाबोलिज्म की जो प्रोसेस है वो बैक्टीरिया और फंजाई ही कर पाते हैं जो परफेक्ट डीकंपोजर है। नेक्स्ट, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वुड इंक्रीज, प्राथमिक उत्पादकता बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। न्यूट्रिएंट वुड एक्युमुलेट इन डेड प्लांट एंड एनिमल्स बिकम अनअवेलेबल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल ये करेक्ट है, ये पॉसिबल है। देखो जैसा सर कह रहे हैं सेकंड ऑप्शन में लिखा है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वुड इंक्रीज, अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बनाने के लिए प्लांट का सर्वाइवल होना चाहिए और प्लांट का बहुत आप ये कह सकते हैं बेनिफिटेड सर्वाइवल होना चाहिए, लेकिन ये तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक न्यूट्रिएंट की सप्लाई नहीं होगी। अब न्यूट्रिएंट सप्लाई कौन करेगा, तो आप ये कहेंगे बैक्टीरिया डीकंपोजर जो फंजाई डीकंपोजर है वो करेंगे, तो डेफिनेटली सेकंड में नहीं हो पाएगा। थर्ड में मेंशन किया गया न्यूट्रिएंट्स वुड एक्युमुलेट इन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकम अनअवेलेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ऑब्वियस है डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है वो जमा होने लगेगा और उसमें भी न्यूट्रिएंट्स जो है उनकी प्रेजेंस काफी ज्यादा होगी। लास्ट सर दिया है कार्निवोर्स एंड हर्बीवोर्स वुड नॉट बी अफेक्टेड, सभी अफेक्टेड होंगे, ये सब अफेक्टेड होंगे, कार्निवोर्स पे भी इसका असर पड़ेगा, प्लांट ही नहीं होंगे तो फिर उसको आप प्लांट अच्छे से डेवलप नहीं होंगे, तो क्योंकि प्लांट्स पे सारा बायोस्फीयर डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ सर आंसर क्या फाइनल किया जाए, थर्ड आंसर यहाँ फाइनल है और इसमें लिखा है न्यूट्रिएंट्स वुड एक्युमुलेट। क्लियर। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, which nutrient of most likely to limit primary production in terrestrial ecosystem, terrestrial ecosystem में कौन सा nutrient जो है वो primary productivity को limitize कर देता है, तो ये photosynthesis पे बात कर रहा है।
देखिए एक बच्चों को कंफ्यूजन होता है क्योंकि हम सबसे पहला लिमिटिंग फैक्टर सर CO2 मानते हैं और CO2 की एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन जो है वो 0.03% है, लेकिन यहाँ मिनरल न्यूट्रिएंट आपको डिस्कस करना है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में। तो एक फिजियोलॉजी के पोर्शन में लिखा है कि चाहे एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम हो चाहे आप ये कहेंगे नेचुरल इकोसिस्टम हो, दोनों में सबसे पहले नाइट्रोजन लिमिटिंग फैक्टर होगा। हमें नाइट्रोजन ऑप्शन दे रखा है, लेकिन अगर ये नहीं दिया जाए तो उसके बाद हम फॉस्फोरस को डिस्कस कर सकते हैं। अब सर आप थोड़ा सा कंपैरिजन बच्चों को क्लियर कर दीजिए कि टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक की बात की जाए तब क्या कहना होगा। देखो बेटा CHO है वो तो नॉन मिनरल है, तो सर ने जो CO2 का कांसेप्ट बताया कि ये तो नॉन मिनरल है, लेकिन जो मिनरल NPK है तो ये आपके क्रिटिकल एलिमेंट है। NPK जनरली आप जानते हैं सर ने बताया कि एग्रीकल्चर इकोसिस्टम हो चाहे नेचुरल हो दोनों में नाइट्रोजन प्लांट के लिए नाइट्रोजन लिमिटिंग होता है। लेकिन यहां अगर NPP के कंपैरिजन NPP का अपन कंपैरिजन करें कि टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए, तो टेरेस्ट्रियल के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल फॉस्फोरस भी हो जाता है लिमिटिंग और एक्वेटिक के अंदर नाइट्रोजन, लेकिन ओवरऑल सने कहा कि यहां पर नाइट्रोजन ऑप्शन क्या है, यहां कंपैरिजन कोई एस्टैब्लिश नहीं किया गया है। तो आपको सबसे पहले जैसे एक सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में प्रोडक्टिविटी को कौन लिमिटाइज करता है, सबसे पहले आप कहेंगे CO2 और उसके बाद आप कहेंगे नाइट्रोजन और उसके बाद आपको फॉस्फोरस कहना चाहिए। कंपैरिजन एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल का अगर किया गया तो डेफिनेटली आपको वहां कहना चाहिए पहले एक्वेटिक के केस में फॉस्फोरस। क्लियर? तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 66 आंसर फाइनल हुआ नाइट्रोजन। नेक्स्ट 67 इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद वन अनदर एंड विद देयर सराउंडिंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें देखना है फॉर एनी इकोसिस्टम। फर्स्ट हमें दे रखा है इकोसिस्टम मेनली फोकसेस ऑन फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइक्लिंग ऑफ द मैटर। डेफिनेटली इकोसिस्टम एस्टैब्लिश ही इसी से हो रहा है, मुख्य ऊर्जा प्रवाह और पदार्थों के चक्रण पर केंद्रित। दूसरा दिया है सर बायोटिक कंपोनेंट्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन एबायोटिक कंपोनेंट्स। देखिए ऐसा हम नहीं कह सकते, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों की अपनी इक्वल इंपॉर्टेंस है। फिर दे रखा है ऑटोट्रॉप्स प्रोड्यूस द मटेरियल एंड एनर्जी फॉर द हेटरोट्रॉप्स। ये ठीक बात है, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कंज्यूमर्स के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। वो कह रहा है ऊपर नॉट ट्रू और फिर कहें नन ऑफ अबव। तो एक बात आप ध्यान दें, क्वेश्चन की फ्रेमिंग में कई बार बच्चों को कंफ्यूज होता है, अगर यहाँ नेगेटिव रेफरेंस क्वेश्चन में आपसे पुट कर लिया तो नन ऑफ दीज आंसर नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है, क्योंकि इसका मतलब ये हो जाता है इस क्वेश्चन के साथ अगर इसको आप कनेक्ट करोगे तो इसका मतलब ये होगा कि इनमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, जबकि ये स्थिति यहाँ नहीं है। तो फर्स्ट और थर्ड आपने करेक्ट रेफरेंस कहा, सेकंड आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ इनकरेक्ट रेफरेंस है। सो आंसर फाइनल हुआ सर सेकंड आंसर। नेक्स्ट 68 द यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स हायर ट्रॉफिक लेवल मेंटेन्स। उच्च पोष स्तरों की ओर ऊर्जा का एक दिशीय स्थानांतरण बनाए रखता है। सर पिरामिड बना के थोड़ा सा बच्चों को एक्सप्लेन कर दिया जाए। भाई जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो है तो आप समझ सकते हैं बेटा कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल अपन कहते हैं कि सनलाइट से जो एंट्रैपिंग होती है तो जो इंसिडेंट ऑफ द रेडिएशन है वहां से आपको 1% यहां लेना है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे, और फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल PP प्राइमरी प्रोड्यूसर को रिप्रेजेंट करता है वो 1%। जैसे मान लो कि 10 मिलियन है तो वहां का आप जानते हैं कि 10,000 यहां पर आ जाएगा। उसके बाद आपको सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल के अंदर रूल ऑफ इकोलॉजिकल 10% को फॉलो करना है। तो रूल ऑफ इकोलॉजिकल 10% कहता है कि सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में लोअर से अपर ट्रॉफिक लेवल में ओनली 10% ये ट्रांसफर आपका होगा। तो यहां पर आपका 1000 जो एग्जैक्टली लॉ ऑफ लिंडमैन एनर्जी फ्लो है, ये अकॉर्डिंग लॉ ऑफ लिंडमैन एनर्जी 10% रूल ऑफ इकोलॉजिकल 10% ट्रॉफिक लेवल में फॉलो होता है। रूल ऑफ इकोलॉजिकल 10% ट्रांसफर एनर्जी ट्रांसफर। क्लियर? तो ये आपका है। तो ऑप्शन में पढ़ देता हूँ पॉपुलेशन स्टेटस ऑफ ओनली वन ट्रॉपिक लेवल, नहीं ऐसा नहीं है, एक ट्रॉपिक लेवल पे नहीं बनाए रखेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स डेफिनेटली एनर्जी पहुंचेगी तभी ऐसा हो पाएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर, सिर्फ प्राइमरी प्रोड्यूसर या अकेले प्राइमरी प्रोड्यूसर के लिए नहीं है, हाँ डेफिनेटली इनका एग्जिस्टेंस बनाए रखता है लेकिन इनसे ट्रांसफर हो रहा है। पॉपुलेशन स्टेटस ऑफ फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऐसा नहीं है। तो यहाँ परफेक्ट आपके पास हुआ सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर तक जितने ट्रॉपिक लेवल्स है सक्सेसिवली एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तभी इनका स्टेटस एग्जिस्टेंस बना हुआ है। तो फाइनल क्या हुआ सर सेकंड आंसर फाइनल हुआ। नेक्स्ट 69 टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर दैट रेगुलेट डीकंपोजिशन बिकॉज। तो देखिए डीकंपोजिशन के केस में हमें रेगुलेटिंग फैक्टर्स दिए हैं। डीकंपोजिशन से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं उनमें हम टेम्परेचर की भी बात करते हैं, उसमें मॉइस्चर हम डिस्कस करते हैं, उसमें ऑक्सीजन हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ टेम्परेचर और सॉइल हमें दिया गया है। तो ये कह रहा है ये
क्यों इंपॉर्टेंट है, पहला लिखा दे अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ सॉइल माइक्रोब्स, डेफिनेटली करते हैं क्योंकि डीकंपोजर्स की एक्टिविटी को जो अफेक्ट करेगा वो ही रेगुलेटिंग फैक्टर होगा। वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरमेंटल कंडीशंस आर फेवरेबल, डेफिनेटली ये भी सही बात है क्योंकि बैक्टीरिया और फंजाई डीकंपोज करते हैं, दोनों का ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप कह सकते हैं या उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है जो कैटाबोलिज्म वो परफॉर्म करेंगे वो दोनों ही यहां परफेक्ट होंगे। फिर दे रखा है लो टेंपरेचर एंड एनारोबिसिस इनहिबिट द डीकंपोजिशन, ये ठीक बात है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, टेम्परेचर अगर कम हुआ और एनारोबिक कंडीशन हुई तो ये भी डीकंपोजिशन को क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। फिर कह रहा मोर देन वन ऑप्शन आर करेक्ट, डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं एक से ज्यादा करेक्ट है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ डीकंपोजिशन के केस में करेक्ट रेफरेंसेस। क्लियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम, और ये डायग्राम हमें इकोसिस्टम का दिया गया है, तो इस इकोसिस्टम में देखिए एनर्जी ट्रांसफर या एनर्जी का जो पिरामिड है उस एनर्जी पिरामिड को एक्सप्लेन किया गया जो एनसीईआरटी में, तो सर आप इसको एक्सप्लेन कर लें, मैं कलर चेंज कर देता हूं उसका एक बार। आप देख सकते हैं स्टूडेंट की एनर्जी के पिरामिड ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम में ऑलवेज अपराइट होते हैं, चाहे वो कहीं पे वो एक्वेटिक फूड चेन हो, टेरेस्ट्रियल हो या किसी भी एरिया, डेजर्ट, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, कहीं भी हो, पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट। अब आप समझ सकते हैं कि जो सनलाइट है, टोटल सोलर रेडिएशन होती है उसको आप कहते हैं इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। तो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है तो प्लांट 1 to 5 ले सकते हैं, तो यहाँ पर 1% कंसिडर करते हैं, यहाँ से अपने 1% यहाँ करेंगे तो 10,000 जो आपका जूल होगा, सर मेंशन कर रखा है सक्सेसिवली 10,000 जूल आपका 10% जा रहा है। फिर आप जानते हैं कि ट्रॉफिक लेवल में जैसे पीपी ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट, ट्रॉफिक लेवल सेकंड, थर्ड और फोर्थ, जो टिपिकल 4 ट्रॉफिक लेवल होते हैं, तो ट्रॉफिक लेवल में आपको भी मैंने समझाया था रूल ऑफ इकोलॉजिकल 10%, तो यहां आप जानते हैं सक्सेसिव में 10% रूल आपका फॉलो होगा, इसका 10% 10% और 10% ये आपका है। और आप जानते हैं अगर अपन रेस्पिरेशन लॉस को भी लें तो ये आप समझ सकते हैं कि 20, 30 और 60 तो अपन करते हैं, अगर अपन टोटल उसका जो आप नेट प्राइमरी प्रोडक्टिव से भी अपन जो उसका एनसीपी निकालें तब की बात है, लेकिन जनरली यहाँ से आपसे केवल एनर्जी पिरामिड की बात की है तो ये 10% रूल आपने इसको फॉलो कर दिया। अब आप स्टेटमेंट देखिए, एग्जैक्टली देखिए कहा गया इसमें आपसे कि एक डायग्राम आपको दे रखा है और वो जो है वो एनर्जी का पिरामिड है जो एनसीईआरटी में बना रखा है, बहुत क्लियरली यहाँ 10% ट्रांसफर को, कांस्टेंट 10% ट्रांसफर को एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ रेस्पिरेटरी लॉस को एक्सप्लेन नहीं कर रखा है। क्लियर, तो ये कह रहा है प्राइमरी प्रोड्यूसर कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ द एनर्जी इनटू एनपीपी, ऐसा नहीं है एनपीपी में 1% कन्वर्ट नहीं करते हैं, जीपीपी जो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है उस इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का 2 to 10% प्लांट्स जो है वहां तक उनकी अवेलेबिलिटी होती है एंड आउट ऑफ दिस 1 to 5% जो है वो यूटिलाइज कर पाते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्टिविटी अल्टीमेटली, तो जीपीपी ये है। अब इसमें से आप 20% अगर माइनस करेंगे तो ये सर हो जाएगा 4%। ये प्रोडक्टिविटी, तो एनपीपी जो है वो ये हो सकता है, वन नहीं होगा, स्टेटमेंट पहला इनकरेक्ट हुआ। सेकंड लिखा है पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, सही हुआ। अमाउंट ऑफ एनर्जी इज डिक्रीज्ड एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, डेफिनेटली डिक्रीज होता है। और फिर लिखा है इकोसिस्टम इज मैनेज्ड एज ए ओपन सिस्टम, देयर विल बी नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग एनर्जी फ्लो, ये रॉन्ग है। ये देखिए आप इकोसिस्टम, इफ इकोसिस्टम इज मैनेज्ड, वहां के कंडीशन डाल दी सर, इकोसिस्टम इज मैनेज्ड एज ए ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम की तरह अगर उसको मैनेज कर लिया गया, देयर विल बी नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग एनर्जी फ्लो, एनर्जी लॉस वहां एग्जैक्टली हीट लॉस के फॉर्म में होता है, तो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जब सक्सेसिवली एनर्जी ट्रांसफर होती है तो उस केस में आप कह सकते हैं हीट लॉस जो है वो 90% तक हो सकता है, जिसको नॉट यूटिलाइज्ड फॉर्म एनर्जी भी हम कह सकते हैं। तो वहां देखिए पिरामिड के अकॉर्डिंग जो हमें दिया गया है उसमें कांस्टेंट ट्रांसफर है, ये कांस्टेंट ट्रांसफर जो है वो इस रेंज के अकॉर्डिंग जो 1 to 5% प्रोडक्टिविटी उस रेंज के अकॉर्डिंग कंसिडरेबल है, और ये फाइनल लास्ट वाले में कहा है कि नो लॉस, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं इनकरेक्ट। तो सर फर्स्ट और फोर्थ को रेफर करते हुए फाइनल आंसर यहां किया जाना चाहिए फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, purification of air and water, pollination of the crops, mitigating droughts and flood, cycling of the nutrients, maintaining of the biodiversity, ये सब जो है वो क्या है, ये कह रहा है above given activities are। तो ये देखो पहले भी पारितंत्र सेवाओं की हमने बात की थी, इस कोरोना के काल में आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि प्रकृति क्या कर सकती है और क्या दे सकती है। तो ऑप्शंस पे बात करें सर, इकोसिस्टम बायोटिक कंपोनेंट इसका मीन नहीं है, और इकोसिस्टम सर्विसेज है, और इकोसिस्टम की वो सर्विसेज है जिनके प्राइस को अपन डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अपन को फ्री के अंदर नेचर अपन को प्रोवाइड कर रही है, और उसके बाद आपको इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम, इकोनॉमिक वैल्यू का प्रोडक्ट नहीं है ये आप समझते हैं। दोनों ऑप्शन में एक्सप्लेन कर देता हूँ सर, जैसा आप ब्रॉडली बोल रहे हैं सर,
जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं उनको दो तरीके से कैटेगराइज आप कर सकते हैं, वो नैरो यूटिलिटी की है, वो ब्रॉड यूटिलिटी की है। तो नैरो यूटिलिटी की जो है या नैरो यूटिलिटेरियन जो है वो संकीर्ण उपयोगिता है, वो इकोनॉमिक वैल्यू का है, और जो दीर्घ उपयोगिता है जो ब्रॉड यूटिलिटेरियन है वो एग्जैक्टली ये जितनी सारी बातें यहाँ लिखी है ये है जिन पे कोई प्राइस टैग बेसिकली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ आपके पास आंसर हो जाएगा इकोसिस्टम सर्विसेज। तो फाइनल आंसर हुआ सेकंड। 7-2, which one is the correct statement? कौन सा correct statement है? पहला कह रहा है cropland ecosystem represent variable genetic diversity. Variable नहीं करेगा। ये exam में question भी आया हुआ है कि कौन सा least genetic diversity represent करता है cropland, उसका answer था। ये 2019 में मुझे जहाँ तक याद है question आया हुआ है, तो देखें बच्चे आप, बच्चे लोग cropland ecosystem, ठीक है? ये statement incorrect हो गया। फिर कह रहा है a discontinuous and invariable input and loss of energy occurs in ecosystem. Discontinuous नहीं होता, invariable input तो invariable होता है, input और loss invariable हो सकता है, लेकिन discontinuity नहीं कहेंगे, continuity कहेंगे, इसीलिए उसको open system कहा जाता है। फिर कह रहा है entire biosphere is also known as the global productive unit and stable in reference of community diversity. ये ठीक बात लग रही है मुझे। संपूर्ण जैवमंडल वैश्विक उत्पादन इकाई के रूप में जाना जाता है तथा समुदाय विविधता के संदर्भ में स्थायी नहीं हो सकता। एक स्टेबल रेफरेंस यहां दे दिया है, उसको थोड़ा सा देखने की जरूरत है। फोर्थ लिखा है डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। डेफिनेटली ये करेक्ट है, डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। देखिए स्टेबल के कारण स्टेटमेंट गलत हो गया है। यहाँ इनवेरिएबल इनपुट एंड लॉस ऑफ एनर्जी, जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है वो कॉन्स्टेंट है, लेकिन फिर ये कह रहा है डिसकंटिन्यूस, इसके कारण ये इनकरेक्ट हो गया। ऊपर वाला वेरिएबल डाइवर्सिटी के कारण गलत हो गया। तो आपके पास फाइनल आंसर यहाँ स्टूडेंट्स हुआ फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन 7-3, द मेन रोल ऑफ द बैक्टीरिया इन कार्बन साइकिल इन्वॉल्व, द मेन रोल ऑफ बैक्टीरिया इन कार्बन साइकिल इन्वॉल्व। ये कह रहा है कार्बन चक्र में जीवाणु की मुख्य भूमिका, क्या वो कीमोसिंथेसिस करता है, ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कर रहा है, या वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो देखिए फोटोसिंथेसिस का रोल ही नहीं है, कार्बन साइकिल की बात कर रहा है। एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, इसको भी छोड़ देते हैं। दो ऑप्शन हमारे पास बचे, एक कीमोसिंथेटिक एक्टिविटी कह रहा है और दूसरा ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह रहा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि जो मेन रोल ऑफ बैक्टीरिया इन द कार्बन साइकिल, कि जो भी प्लांट और एनिमल बायोमास बन गया, तो प्लांट एनिमल बायोमास का वापस डिग्रेडेशन होगा, तो जो माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी उसमें CO2 वापस रिलीज होगी। तो भाई जो भी प्लांट है बायोमास या फॉसिल्स हैं, तो वो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका सेकेंड आंसर हो जाएगा। कीमोसिंथेसिस की एक्टिविटी अगर आप कहते हैं, तो उसमें फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उस फॉर्मेशन प्रोसेस से ही कोरिलेट करता है। तो यहाँ मोर रेलेवेंट जो है मेन रोल ऑफ बैक्टीरिया, मेन रोल कार्बन साइकिल में क्या हो सकता है, ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट 7-4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ कंसीडर किए जाने हैं। ए प्लेस ऑक्यूपाइड बाय बायोलॉजिकल कम्युनिटी, ठीक है, और इनसे पहले क्वेश्चन का वो पढ़ लेते हैं सर। ये कह रहा है दीज कैरेक्टर्स बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ द इकोलॉजिकल हायरार्की, इकोलॉजिकल हायरार्की के कौन से स्टेप से ये कैरेक्टर्स बिलोंग करते हैं। तो ये कह रहा है प्लेस ऑक्यूपाइड बाय द बायोलॉजिकल कम्युनिटी, तो ये बायोलॉजिकल कम्युनिटी आ गया, इसका मतलब पॉपुलेशन की ठीक बात का स्टेप है। फिर कह रहा है इंटरेक्शन ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स फ्रॉम फिजिकल स्ट्रक्चर, ये इकोसिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, और बायोटिक कम्युनिटी ही अल्टीमेटली इकोसिस्टम होती है। फिर कह रहा है फंक्शनल सेल्फ सस्टेनिंग, सॉरी सेल्फ सस्टेनिंग होना चाहिए था, ये सेल्फ सस्टेनिंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग यूनिट, तो एग्जैक्टली ये भी इकोसिस्टम को डिफाइन कर रहा है। वेटलैंड रिवर एस्चुरी एंड फॉरेस्ट आर द एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेवल, डेफिनेटली ये जो वेटलैंड रिवर एस्चुरीज एंड फॉरेस्ट है ये सारे इकोसिस्टम्स के एग्जांपल हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स हैं। तो सर यहाँ बहुत क्लियर कहा जा सकता है ये सब जो है वो इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। बायोलॉजिकल कम्युनिटी के बाद अगर एबायोटिक फैक्टर से इंटरेक्शन अगर रिलेट होती है कि वेरियस टाइप की पॉपुलेशन उनके आपस की इंटरेक्शन एंड देन एबायोटिक से इंटरेक्शन, तो इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट है। और बाकी आप जानते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर जो बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट सारे करेक्टर जो सारे के 100% इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा। और सर एक बहुत क्लियर एक बात ये है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की जो हायरार्की है उसके चार मेन बेसिस जो एनसीईआरटी में दिए हैं इकोलॉजी में, उसमें ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, उसके बाद बायोटिक कम्युनिटी, और उसके बाद में बायोस्फीयर, या फिर आप बायोम को ले सकते हैं। बायोम अपने आप में लार्जर जियोग्राफिकल रीजन है। तो ये हमें फाइनल करना था इकोसिस्टम। नेक्स्ट 7-5, मोस्ट डाइवर्स नेचुरल इकोसिस्टम, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहाँ होगी। देखिए बहुत क्लियर दे रखा है, डेजर्ट में सबसे कम होगी, उसके बाद आप कह सकते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट,
उसके बाद ग्रासलैंड और सबसे ज्यादा किसमें होनी चाहिए TRF। सर थोड़ा सा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की डिटेल बता देना भाई। अर्थ के ऊपर मैक्सिमम डाइवर्सिटी का शो करता है टेरेस्ट्रियल में, क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, और उसमें भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो मैक्सिमम करता है अमेजन रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका के जो अमेजन वर्षा वन है। आप जानते हैं लंग्स ऑफ प्लेनेट 20% ऑक्सीजन जो टोटल अपने इस अर्थ प्लेनेट की है वो देता है। हालांकि ये डेटा पुराना है काफी, वो रिड्यूस भी बहुत हो गया है, लेकिन बहुत टाइम से यही चले आ रहा है। हाँ डेफिनेटली अगर वो अमाउंट रिड्यूस भी हो गया उसके बाद भी, इवन आफ्टर दैट, दैट विल आल्सो कॉल एज द लंग्स ऑफ द अर्थ, क्योंकि मैक्सिमम तो अभी भी वो ही दे रहा है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहां पर मैक्सिमम हो जाएगा, और वैसे भी सेकंड कोरल रीफ होती है, यस, बट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहां पर आपका आंसर होगा। फाइनल आंसर 4। नेक्स्ट नेक्स्ट 7-6 व्हिच वन ऑड विद रेफरेंस टू फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के फंक्शनल रेफरेंस को अगर देखें तो इनमें से कौन सा ऑड है। देखिए प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम का फंक्शन होता है, डीकंपोजिशन होता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती है, लेकिन स्ट्रेटिफिकेशन इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर। ये कम्युनिटी की प्रॉपर्टी स्ट्रेटिफिकेशन सक्सेस। जैसे सर ने अभी बताया था पीछे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिस्कस कर रहे थे, देखिए लार्ज कैनोपी ट्री से लेकर बॉटम की ग्रासेस तक ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये स्ट्रेटिफिकेशन को शो करता है। ये फंक्शन नहीं होगा, ये स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर होगा, क्लियर। तो सर आंसर फाइनल किया जाए, फोर्थ आंसर यहां फाइनल। नेक्स्ट 7-7 डीकंपोजिशन कॉम्प्लेक्स, डीकंपोजिशन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर कैरिड बाय डीकंपोजर्स इन प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन व्हिच ऑर्गेनिज्म प्ले इंपॉर्टेंट रोल। मिनरलाइजेशन का प्रोसेस क्या है, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से डिफरेंट स्टेप्स ऑफ डीकंपोजिशन के बाद मिनरल्स रिलीज करवाने का प्रोसेस है। तो ये मिनरल्स रिलीज करवाने का जो प्रोसेस है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, ये पूछा गया है यहां। तो आप समझ सकते हैं कि भाई जैसे कैटाबॉलिज्म बैक्टीरिया फंगस दोनों कराएंगे, जनरली आप जानते हैं ह्यूमस फॉर्म हो जाएगा, और फाइनली मिनरल को रिलीज करने में जो बेस्ट इंपॉर्टेंट रोल होगा वो बैक्टीरिया का होगा। तो ये मिनरलाइजेशन में सबसे हेल्प कौन करते हैं, बैक्टीरिया। लेकिन अब इसमें एक और बात है, बैक्टीरिया के साथ साथ फंजाई भी मेंशन किया गया, तो कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये फंजाई भी ऐसा करता है, लेकिन ध्यान रखें आप इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, बोथ आर डीकंपोजर्स बट ओनली द बैक्टीरिया इज द कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। ये कैपेबिलिटी होल्ड करता है जो स्पेसिफिक है, नेचर में एक अकेला ऑर्गेनिज्म है जिसके पास ये कैपेबिलिटी है जो मिनरल साइक्लिंग में रोल प्ले करेगा, इंपॉर्टेंट रोल। तो आंसर हो गया बैक्टीरिया। नेक्स्ट नेक्स्ट 7-8 इकोसिस्टम आर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हिच फॉर्म ऑफ फूड इज रिस्पांसिबल फॉर एंट्रोपी। वो कह रहा है इकोसिस्टम का जो है वो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट और सेकंड दोनों लॉ से ही एग्जेम्प्ट नहीं किया गया है। फर्स्ट में एनर्जी कंजर्वेशन हम पढ़ते हैं, सेकंड में एंट्रोपी ट्रांसफर हम पढ़ते हैं। तो एग्जैक्टली हमारे से यहां पूछा गया है कि कौन सा जो है वो फूड इज रिस्पांसिबल फॉर द एंट्रोपी। तो देखिए पहला कह रहा है ट्रांसफर ऑफ बायोमास फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, डेफिनेटली ऐसा हो रहा है। फिर कह रहा है लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसफर, क्योंकि अगर लॉस नहीं होता तो दो एंट्रोपी लेवल जो है उनके बीच में आप डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते थे। तो सर ने जो कहा आप समझ सकते हो कि लोअर ट्रॉफिक लेवल से हाई ट्रॉफिक लेवल, सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे एक बड़ा पार्ट 90% लार्ज फ्रैक्शन 90% का लॉस होता है, ओनली 10% वहाँ ट्रांसफर होता है। तो ये जो इतना बड़ा लॉस हो रहा है इस चीज को मेंटेन करने के लिए सोलर रेडिएशन की बिल्कुल निरंतर आपूर्ति कंटिन्यूस सप्लाई जरूरी है, जो सेकेंड लॉ को ही रिप्रेजेंट करती है। और आप समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है सर जिसमें वो कह रहा है दिस इज डूइंग टू बेसिकली काउंटर एक्ट द डिसऑर्डरलीनेस। तो वो जो डिसऑर्डरलीनेस मतलब अव्यवस्थापन नहीं हो, एक तरीके से सब कुछ गोलमाल नहीं हो जाए, इसको रोकने के लिए क्या किया गया, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जब ट्रांसफर किया गया तो लॉस करवाया गया। बिल्कुल ठीक है, तो सेकंड बिल्कुल परफेक्ट यहाँ रेफरेंस है। बाकी के दो ऑप्शन भी हम पढ़ लेते हैं, लॉस ऑफ एनर्जी इन रेस्पिरेशन ये जरूरी है, इसमें ऑर्गेनिज्म अपने आप को मेंटेन करते हैं, जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर 20% कर रहा है, उसके बाद का कंज्यूमर 30% और उसके बाद का कंज्यूमर 60%। लॉस ऑफ एनर्जी इन सिंथेसिस ऑफ बायोमास, नहीं सिंथेसिस ऑफ बायोमास में लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता। वैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कंजर्वेशन की बात हम करें तो लॉस को तो हम डिस्कस भी नहीं करें। बिल्कुल तो सेकंड यहां क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 7-9 हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट फूड चेन्स। फूड चेन्स के बारे में कितने स्टेटमेंट ठीक है। पहला दे रखा है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर फूड फाइटोप्लैंक्टन्स एल्गी एंड हायर प्लांट्स इन एक्वेटिक जीएफसी पॉसिबल है। हायर प्लांट को लेके कंफ्यूज आप नहीं हो, बहुत सारे एक्वेटिक सबमर्ज प्लांट जो है वो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, बहुत सही है। द फूड चेन आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द इंटरडिपेंडेंसी, डेफिनेटली इंटरडिपेंडेंसी के कारण ही फूड चेन्स बनती हैं।
फिर कह रहा है डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द बिगनिंग ऑफ द डेट्रिटस फूड चेन, जो भी जब भी कोई मरेगा तो डीएफसी शुरू होगा, सीधा तरीका है। इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ए लार्ज फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लोस थ्रू द जीएफसी, ये गलत हो गया, वहां जीएफसी के बजाय मेजर कंडक्ट जो होता है डीएफसी होता है, क्योंकि लास्ट ट्री है और लार्ज एनिमल है तो रिमेन पार्ट जो डेड रिमेन पार्ट ज्यादा होते हैं, डेट्रिटस का अमाउंट ज्यादा होता है तो डेट्रिटस फूड चेन वहां पर मेजर कंडक्ट होगा। उसके बाद देखा सर इन एक्वेटिक इकोसिस्टम जीएफसी इज द मेन कंटेंट ऑफ एनर्जी ग्लोबल, डेफिनेटली ये ठीक है। तो आउट ऑफ 5 ओनली द स्टेटमेंट 4th इज इनकरेक्ट, तो आपके पास क्या होगा 4 स्टेटमेंट यहां सही हो जाएंगे, थर्ड ऑप्शन यहां करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट 80 द पिरामिड शोज द रिलेटिव बायोमास ऑफ जूप्लैंकटन एंड फाइटोप्लैंकटन इन अ मैरीन इकोसिस्टम। तो देखिए ये फाइटोप्लैंकटन है और ये पिरामिड आपको जो दे रखा है वो बायोमास का है, एनसीईआरटी में फ्रेम कर रखा है, देखिए बायोमास बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली पिरामिड इन्वर्टेड है। अब स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं, द बायोमास ऑफ द जूप्लैंकटन इज हायर दैट ऑफ द फाइटोप्लैंकटन, बिकॉज क्यों ऐसा होता है तो ये कह रहा है जूप्लैंकटन कन्वर्ट एनर्जी मोर एफिशिएंटली, नहीं ऐसा नहीं है, फाइटोप्लैंकटन बहुत एफिशिएंट प्रोड्यूसर होता है। ये एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन आया, 2-3 जगह बच्चों लिखा हुआ है, डाइवर्सिटी में ये मेंशन किया हुआ है, जहां क्राइसोफाइट्स आपको दे रखे हैं। फिर कह रहा है द जूप्लैंकटन्स हैव अ शॉर्टर लाइफ साइकिल देन द फोटोसिंथेटिक फाइटोप्लैंकटन्स, नहीं ऐसा भी नहीं है, उनकी डिपेंडेंसी उन पर है। द फाइटोप्लैंकटन्स आर इंडिविजुअली मच स्मॉलर लाइफ स्पान देन द जूप्लैंकटन, डेफिनेटली ये करेक्ट है, और इसी कारण ऐसा होता है कि उनका लाइफ स्पान शॉर्ट होता है और वो रैपिडली उनका बायोटिक पोटेंशियल हाई होता है, तो अपने से ज्यादा बायोमास वाले जूप्लैंकटन की जो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है उसको, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल कर पाते हैं, तभी आप समझ सकते हो कि कम बायोमास होते हुए भी ये इसको सपोर्ट कर पाते हैं जूप्लैंकटन को। लाइफ स्पान छोटा हुआ इसीलिए स्टोरेज के लिए टाइम कम मिला, अगर लाइफ स्पान बड़ा होता तो स्टोरेज के लिए टाइम ज्यादा मिल पाता, अब टाइम कम क्यों मिला, क्योंकि आप ये कह सकते हैं ग्रेजुअली दे आर यूटिलाइज्ड बाय देयर कंज्यूमर्स। फिर कह रहा है द फाइटोप्लैंकटन हैव एन एक्सट्रीमली हाई टर्नओवर रेट, हाईली टर्नओवर रेट जो है वो चुपांतरण दर वो रखते हैं, लेकिन आपको यहाँ पूछा यह गया है कि ये जो पिरामिड है इसमें बायोमास का जो पिरामिड आपको दिया गया है ये इन्वर्टेड क्यों है, तो उसका बेसिक रीजन आपके पास है, फाइटोप्लैंकटन्स आर इंडिविजुअली मच स्मॉलर लाइफ स्पान, तो थर्ड आंसर यहाँ हुआ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 81 अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम और फीचर ऑफ व्हिच इज ए फीचर ऑफ, पूछा गया आपसे, तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दिया गया स्टैंडिंग स्टेट हम उसको कहते हैं, और जो बायोमास ट्रांसफर होता है उसके साथ आप कह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स जो है वो भी ट्रांसफरेबल है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फॉर्म इकोसिस्टम में फ्लो में चलते हैं, तो आपसे ये पूछा गया है कि ये जो है वो क्या कहा जाएगा, तो रेस्पेक्टिव रेफरेंस अगर इन दोनों का हम देखें तो हमारे पास स्टैंडिंग स्टेट हुआ। अब ये फंक्शनल है कि स्ट्रक्चरल है ये डिस्कस करने की यहाँ जरूरत है। बेटा जी आप सामने दो टर्म आती है स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप का मीन होता है कि पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम में जो लिविंग ऑर्गेनिक मैटर होता है स्टैंडिंग क्रॉप है, तो वो तो ओनली लिविंग टू लिविंग ट्रांसफर होता है। सेकंड आपका होता है कि जब प्लांट डेड रिमेन होते हैं, एनिमल डेड रिमेन होते हैं, तो जो डेट्रिटस होता है उससे जो मिनरल रिलीज होते हैं, तो जो कंपोजिशन सोयल के अंदर जो मिनरल्स अवेलेबल है एट ए टाइम, वो आपका स्टैंडिंग स्टेट है। स्टैंडिंग स्टेट लिविंग टू लिविंग भी ट्रांसफर होता है और नॉन लिविंग से लिविंग में ट्रांसफर हो सकता है, बट स्टैंडिंग क्रॉप ओनली लिविंग टू लिविंग होता है। तो आप समझ सकते हैं दोनों ही कंपोजिशन को शो करें, इकोसिस्टम को तो स्ट्रक्चर तो है, स्ट्रक्चरल हो गया। तो हमारे पास स्टैंडिंग स्टेट एंड स्ट्रक्चर, करेक्ट आंसर विल बी द 4। नेक्स्ट 82 द मेन रोल ऑफ द बैक्टीरिया इन कार्बन साइकिल इन्वॉल्व्स, ये रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, अभी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, और ये स्टूडेंट्स डाइजेशन और ब्रेकडाउन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर डिस्कस कर लिया था। 83 व्हिच वन इज मेन रीजन फॉर लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशियंस, ओशियंस की लो प्रोडक्टिविटी का रीजन क्या है, जबकि देखो ध्यान रखने की बात ये है ओशियन या एक्वेटिक हैबिटेट अपने आप में एक अकेला नेचर का ऐसा एग्जांपल है जिसमें आप ये कह सकते हैं बायोमास सक्सेसिवली बढ़ रहा है, मींस जो कम बायोमास वाले या लो स्टैंडिंग क्रोप वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने से ज्यादा बड़े साइज के ऑर्गेनिज्म को सस्टेन करवा रहा है, एक काम की बात तो ये है। दूसरा वहां फाइटोप्लैंकटन बहुत एफिशिएंट फोटोसिंथेटिक है, एफिशिएंटली फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करता है, फिर भी प्रोडक्टिविटी लो है। एनसीईआरटी ने एक जगह लिखा है कि अपने टीचर से डिस्कस करिए ऐसा क्यों है, हम खूब डिटेल में क्लासरूम में डिस्कस करते हैं, तो सर यहाँ जो दे रखा है या सीधा रीजन आपने देखना है लो टेम्परेचर होगा, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर है, एब्सेंस ऑफ CO2 या मिनरल, यहां पर क्या रीजन जो मिनरल नहीं जाएगा क्योंकि लो टेम्परेचर ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है और वाटर तो वहां एक्सेस में है, CO2 भी प्रेजेंट है क्योंकि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो रेस्पिरेशन के अंदर CO2 रिलीज करेंगे जो वाटर में डिसॉल्व रहेगी, CO2 अवेलेबल होती है, और फिर डिफिशिएंट मिनरल, तो मेनली आप जानते हो कि जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो लिमिटिंग फैक्टर है वो नाइट्रोजन है और उसके बाद सनलाइट, नाइट्रोजन के बाद क्या हो जाएगा सनलाइट, बट आपको यहाँ ऑप्शन में दिया नहीं, ये बहुत सीधे सीधे से आपको फोटोसिंथेसिस के लिए लिमिटिंग फैक्टर बताने हैं।
और उन लिमिटिंग फैक्टर में CO2 इसलिए नहीं होगा बिकॉज द ओशियंस आर द ग्लोबल रिजर्वर ऑफ द कार्बन, 71% वहां जो है सिंक है वो वहां स्टोरेज में है, तो डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल सबसे पहले आएगा, एब्सेंस CO2 आपको लेना नहीं है, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर की बजाय अगर कभी क्वालिटी ऑफ वाटर दिया जाए तो लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, कंडीशन पे जाएगा लो टेम्परेचर कंडीशंस वहां नहीं मिलेंगी आपको। तो सर फाइनल आंसर हुआ फोर्थ। नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज अफेक्टेड बाय व्हिच बायोटिक फैक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज अफेक्टेड बाय व्हिच बायोटिक फैक्टर, तो बायोटिक फैक्टर के थ्रू जो अफेक्टेड है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मैग्नीट्यूड वो आपको देखना है, प्राथमिक उत्पादकता परास किस जैविक घटक द्वारा प्रभावित होती है, सोलर रेडिएशन की अवेलेबिलिटी से डेफिनेटली, टेंपरेचर सीधा अफेक्ट नहीं करता, बट ये तीनों एबायोटिक होंगे। अब यहां पर है इनहिबिटिंग प्लांट स्पीशीज, भाई कैसी प्लांट स्पीशीज, आपसे बायोटिक फैक्टर पूछा है, तो आंसर क्या होगा फोर्थ। नेक्स्ट, नेक्स्ट, डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन सॉइल अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन टेक प्लेस रैपिडली, वो कह रहा है डीकंपोजिशन फास्ट कब होगा, कुछ कंडीशन हमें दे दी, तो सर पहले कहा लेस टेम्परेचर सीधा रिजेक्ट कर, क्लियर, हाई टेम्परेचर ये हो सकता है लेकिन आगे पढ़ लेते हैं, प्रेजेंस ऑफ एयर डेफिनेटली, एरोबिक कंडीशन होनी चाहिए, रिच इन काइटिन ये नहीं होगा, काइटिन जो है वो नहीं होना चाहिए इसलिए वो इनकरेक्ट हो गया, फिर कह रहा है हाई टेम्परेचर डेफिनेटली सर होगा, एब्सेंस ऑफ एयर नहीं होना चाहिए, फिर लिखा है हाई टेम्परेचर प्रेजेंस ऑफ एयर एंड हाई सॉइल मॉइस्चर, बिल्कुल सही, ये डेफिनेटली आंसर होगा। देखिए स्टूडेंट्स, डीकंपोजिशन का जो प्रोसेस है वो एरोबिक प्रोसेस है, बैक्टीरिया जब उसको करता है तो एरोबिक कंडीशंस रिक्वायर होती है, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, मॉइस्चर ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, तो इस तरीके से फाइनल आंसर हुआ फोर। क्लियर, नेक्स्ट 86, मेजरमेंट ऑफ बायोमास इन टर्म ऑफ द ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट, ये एनसीईआरटी ने लिखा है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया आपसे, जैव मात्रा का शुष्क भार के रूप में मापन अधिक उपयुक्त है, ठीक है, क्योंकि एक्जेक्टली जो बना है, जो वास्तव में बना है वो ड्राई वेट ही होता है, तो आपसे ये पूछा गया है क्यों है ऐसा, फर्स्ट ऑप्शन सर लिखा है प्रेजेंस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स वेरिएशन विद वाटर, सर पॉसिबल क्यों, द स्टैंडिंग स्टेट को शो करने की बात कर रहे हैं, बल्कि यहां प्रेजेंस ऑफ बायोमास विदाउट वाटर, ये करेक्ट हो जाएगा, विदाउट वाटर जो बायोमास प्रेजेंस है ये एक्जेक्टली ड्राई वेट है, आगे के ऑप्शंस भी देख लेते हैं, प्रेजेंस ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स तो ये फिर स्टैंडिंग स्टेट की बात की, प्रेजेंस ऑफ विदरिंग वेरिएशन विद वाटर, ये विदरिंग वेरिएशन जो है वो साइक्लिंग का रेफरेंस है इसलिए इसको नहीं लिया जाएगा, तो करेक्ट आंसर यहां हो गया सेकंड। नेक्स्ट, नेक्स्ट 87, हाउ मेनी टाइप ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड्स, सॉरी इकोलॉजिकल होना चाहिए था, इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर रिस्पांसिबल फॉर द ट्री इकोसिस्टम on the basis of the number ke basis pe ecological pyramid tree ke liye keh raha hai, to tree dominant ecosystem liya gaya hai aur tree dominant ecosystem liya jaye, it mean ek tree ki food chain ko consider kiya jaye to wahan do type ke aapke number ke basis pe pyramid bante hain, one is inverted, agar aap parasitic food chain lete hain to inverted tree aur wo bhi bird aur parasite, aur one is aap samajh sakte hain ki spindle, jise hum kehte hain ki tree ke upar insect aur fir insect ko khane wale jo bhi bird hain बर्ड हो जाएंगे और फिर लार्ज बर्ड आपके हो जाएंगे, तो ये स्पिंडल सैप आपका हो जाएगा, तो यहाँ आप कह सकते हैं कि भी इन्वर्टेड हो सकता है या स्पिंडल हो सकता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैन बी इन्वर्टेड और स्ट्रेट नहीं होगा, कैन बी स्ट्रेट और स्पिंडल और कैन बी स्पिंडल और इन्वर्टेड ये हो जाएगा, बहुत सीधा है, ट्री के डिपेंडेंट्स ऑलवेज बढ़ेंगे कभी भी कम नहीं होंगे, हाँ लेकिन वो फ्लक्चुएटिंग कंडीशन है, जितने इंसेक्ट्स हैं उतने बर्ड्स नहीं होंगे, तो पहले ट्रॉफिक लेवल के बाद बढ़े लेकिन फिर कम हो गए, तो ये स्पिंडल होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ गई। एनसीईआरटी के अंदर सीधा क्वेश्चन मार्क अगर आपको छोड़ रखा है कि एक ट्री है, ट्री के ऊपर आप समझ सकते हैं कि इंसेक्ट है, इंसेक्ट पर डिपेंड स्मॉल बर्ड और फिर लार्ज बर्ड, तो स्मॉल बर्ड ज्यादा हो जाएंगे बट लार्ज बर्ड वहां उतने नहीं होंगे, इसलिए वो स्पिंडल सैप आपका आएगा आंसर थर्ड। नेक्स्ट 88, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट राइट ऑप्शन, पहला कह रहा है ट्रॉपिक्स हैव लेस सीजनल वेरिएशंस कंपेयर्ड टू टेंपरेट रीजन, सही है, स्पीशिएशन इज जनरली फंक्शन ऑफ टाइम, सही है, लेस सोलर एनर्जी अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स, गलत बात है और यही आपसे पूछा गया था, ऑब्वियस है सोलर एनर्जी ज्यादा होगा, तो ए और बी यहां करेक्ट हो जाएंगे और सी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ओनली सी इज इनकरेक्ट, इसमें कोई ज्यादा डिस्कशन वाली बात है नहीं, तो फाइनल किया जाए सर फोर्थ आंसर। नेक्स्ट, Next 89, which biome is characterized by absence of trees? Treeless biome तो grasses ही हो सकते हैं, grassland हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा होगा tundra biome, क्योंकि वहाँ vegetation ही बिल्कुल नहीं है। देखो taiga और tundra जो आपको दे रखे हैं, वो basically आप ये कह सकते हैं polar region के biome होते हैं। एक आपको savanna grassland दे रखा है, तो इसमें कुछ possibility आप ये कह सकते हैं। Scattered tree आपको बिल्कुल हो सकती है। तो answer final किया जाए। Next 90.
Which type of association is found in between entomophilous flower and pollinating agent? जो insect pollinating flowers है उनमें और flower में plant में जो है वो correlation पूछा गया है और most of cases में ये co-evolution को represent करता है। Embryology में लिख रखा आप अच्छे से कि जो pollen rovers कि plant है ना वो pollen और nectar reward के रूप में provide कराते हैं pollinating agent को, लेकिन फिर कई हैं pollen rovers हो गए जो nectar और pollen तो ले लेते थे बदले में pollination नहीं कर रहे थे, तो इसके लिए plant ने एक बहुत अच्छी device को adapt किया, that is co-evolution यानी mutualism। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल जैसे प्रोनुबा मोथ, युक्का प्लांट और फिग ट्री और वैस्प, ऐसे आप समझ सकते हैं ऑर्किड और मेडिटेरियन बी, ये सारे एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि को इवोल्यूशन के हैं, म्यूचुअलिज्म के हैं, जहाँ स्ट्रॉन्ग फिजिकल रिलेशन है, इसेंशियल रिलेशन है और उससे वो पोलन नोबल से बच सकते हैं, साथ साथ इवॉल्व होंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास था इकोलॉजी थर्ड एपिसोड थर्ड सीएनसी का यूनिक कंसेप्ट जो आपके सामने है, गुरु नीति उसका एपिसोड थर्ड हम डिस्कस कर रहे थे। हमने सारे ऑप्शंस और क्वेश्चंस को उनके आसपास की इन्फॉर्मेशन को उनके आसपास के कंसेप्ट और लॉजिक्स को डिस्कस करने का एफर्ट किया है, एनसीईआरटी की इन्फॉर्मेशन भी आपको देने का प्रयास किया है। इसी तरीके से अगले एपिसोड में हम सक्सेशन और सक्सेशन के बाद जो बायोडायवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उन एपिसोड्स में नेक्स्ट एपिसोड्स में आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। एंजॉय द इकोलॉजी, थैंक यू। बिल्कुल आप कंटिन्यू रहें, अच्छे रहें और बहुत तरीके से एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड हम आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं, सारे लॉजिकल क्वेश्चन हम आपके सामने बिल्कुल डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो आप अच्छे से इकोलॉजी को पढ़ें, बहुत स्कोरिंग है, इंटरेस्टिंग है और बिल्कुल आप इकोलॉजी के फेवर में अब हम बायोडायवर्सिटी लेंगे तो आप अर्थ के ऊपर सेव ट्री सेव वाटर और सेव लाइफ का भी कंसेप्ट कोरोना की इस वैश्विक महामारी के संकट के समय पर आपको नेचर को बचाने के लिए लोगों को अवेयर करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।